तो आज के वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक बढ़िया सा सेंटा क्लॉस का पिक्चर कैनवस के ऊपर एक्रिलिक कलर का यूज करके। और ये वीडियो भाई बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो कलर दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है, और सबसे पहले दोस्तों मैं कैनवस के ऊपर ब्लू कलर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आउटलाइन को बनाऊंगा। तो आउटलाइन को दोस्तों बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन और ऑकर कलर का यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर दोस्तों कलर से आउटलाइन को बनाना प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पेंसिल का यूज करके बना सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग पेपर पे बनाते हैं सेम टेक्निक का यूज करके यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आउटलाइन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी कलर मुझे चाहिए वो सब कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं स्किन कलर को करने वाला हूँ, और स्किन कलर को किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। रेड येलो और व्हाइट कलर का यूज किया है स्किन कलर को बनाने के लिए। हाइलाइटेड पोर्शंस को देने के लिए मैं यहाँ पे स्किन कलर के साथ व्हाइट कलर को मिक्स करके दे रहा हूँ, और डार्क कलर को दे रहा हूँ मैं ब्राउन कलर को मिक्स करके। आप लोगों को अगर दोस्तों शेड्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप लोग इजीली कलर्स को बना सकते हैं। सेंटा क्लॉस के बियर्ड पे भाई पूरा व्हाइट कलर होता है वो सब लोगों को पता है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर को दे रहा हूँ। बियर्ड पे भी दोस्तों बहुत सारे शेड्स वगैरह होंगे, उसको देने के लिए मैं ऑकर येलो का यूज करूंगा। और शेड्स को भाई हम लोग इसीलिए देते हैं कि हमारा जो ड्रॉइंग है वो बहुत ही रियलिस्टिक बने। अभी दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं रेड कलर का कपड़े को देने के लिए, जो कि भाई हम सब लोगों को पता है कि सेंटा क्लॉस का ड्रेस का कलर जो है रेड कलर होता है। तो जहाँ पे भी दोस्तों रेड कलर है मैं यहाँ पे दे दूंगा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to it. तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ येलो और व्हाइट कलर को मिक्स करके, क्योंकि हाथों पे भाई एक लैंप है, तो लैंप को कलर करने के लिए इस तरीके का कलर का मैं यूज करूंगा। और लैंप के अंदर दोस्तों बहुत सारे डिटेलिंग्स वगैरह भी है, तो उसको भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. तो लैंप दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लैंप का जो रोशनी है वो भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, और उसको भी देने के लिए मैं यूज करूंगा व्हाइट और येलो कलर का। And
बैक को दोस्तों देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्राउन और ऑकर कलर का, दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे दे दूंगा और उसके बाद जो हाइलाइट्स वगैरह है वो भी मैं व्हाइट कलर को मिक्स करके दूंगा। बैकग्राउंड को दोस्तों और थोड़ा सा डार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ड्राइंग है और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमने जो लैंप का रोशनी दिया था उसको बैकग्राउंड के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा। अभी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बैग में जो गिफ्ट्स वगैरह है उसको देना होगा, तो यहाँ पे मैं डिटेल करके दे दूंगा सब गिफ्ट्स को। तो आप लोग भाई बहुत सारी चीज़ दे सकते हो, अपने मर्जी से भी दे सकते हो। अभी दोस्तों कुछ स्टार्स वगैरह मैं दे दूंगा व्हाइट और येलो कलर को मिक्स करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और स्टार्स को दोस्तों देने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हो यहाँ पे। तो ड्राइंग दोस्तों मेरा कंप्लीट हो चुका है और इस ड्राइंग को करने में मुझे लगभग 3 दिन का टाइम लगा है। उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ड्राइंग भाई अगर अच्छा लगा है तो कमेंट पे जरूर बताना, क्योंकि भाई आप लोगों को कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर कमेंट करना। और भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।